नहीं वो बराबर नहीं बैठेगा वो सारी चीजें। अभी डेमो करना है करके मैं मोमोज लाया रेडी टू ईट। बना के नहीं दिखाते हैं हम। नहीं नहीं ऐसे फंग आप दिखाओ मत, आप समझाओ बस, ऐसे नहीं है बना के मत दिखाओ। ये मैं फूड के वीडियोस बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, इसलिए मैं बना रहा हूँ इस पे डालने के लिए कि माइक्रोवेव ऐसा वगैरह रहता है वगैरह। वो क्या है स्टैंड रहता है क्या रहता है? और ये इसको क्या बोलते हैं? टर्न टेबल ग्लास है, उसके ऊपर रहता है सब। उसको हटाना नहीं है, सारे बर्तन उसी के ऊपर रखना, सब उसी के ऊपर। ये प्लेट और ये जो रिंग है उसको हटाना नहीं है, प्लेट और रिंग को हटाना नहीं है। हाँ एज इट इज। इसमें तीन मोड होते हैं, माइक्रो मोड, ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड। अच्छा माइक्रो मोड मतलब जैसे अपना कोई भी चीज़ रीहीट करना होता है, गर्म करना रहता है, वो रहेगा माइक्रो मोड में। हाँ ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे माइक्रो मोड ऑन हो जाएगा। अच्छा एक बार प्रेस करेंगे 30 सेकंड्स का टाइमिंग है, टाइमिंग अपने को बढ़ाना है तो इसका प्रेस करते जाएंगे 30 सेकंड्स ऐड होते जाएगा। अच्छा ये डायल से रोटेट करके अपन इसको टाइमिंग, ये प्री हीट के लिए माइक्रो मोड, माइक्रो मोड करने के लिए डायरेक्ट इसके ऊपर ही रखना है। हाँ माइक्रो मोड प्रेस कर दीजिए, पापड़ रोस्ट करना है तो पापड़ रोस्ट हो जाएगा, रोटी गरम, रोटी भी गर्म है। हाँ इस मोड में सिर्फ ग्लास बाउल भी यूज करना है, ग्लास बाउल के बर्तन यूज नहीं करना। अच्छा माइक्रो मोड, माइक्रो मोड अगर करेंगे तो माइक्रो मोड शॉर्ट होता है। अच्छा जो माइक्रोवेव का सेफ ग्लास बाउल आते हैं वही यूज करना, ये वाले ये रैक्स पे यूज नहीं करना, स्टील ये वाली स्टील। हाँ ये भी यूज नहीं करना। अच्छा ठीक है, ये पहला मोड समझा। हाँ इस पर्पस के लिए। दूसरा होता है ग्रिल मोड, ग्रिल ग्रिल मोड के लिए कुकिंग मोड के जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ग्रिल मोड एक्टिवेट होगा दो बार। हाँ या फिर ग्रिल मोड, ग्रिल मोड में ये यूज कर सकते हैं। ये ग्रिल इसको रख दीजिए इस पे, जैसा ग्रिल में सैंडविच बनाना है, पिज्जा ग्रिल करना है, ब्रेड को रोस्ट करते हैं अपन। हाँ ये सारी चीज ग्रिल मोड में। अच्छा ये रख दिया उसके लिए, अगर दो सैंडविच एक साथ करना है तो इसमें दो रख दिया, जैसे एक छोटा रैक और बड़ा रैक। अच्छा दो एक साथ, पहले एक छोटा रैक रखना है फिर उसके ऊपर बड़ा रैक। हाँ ये सैंडविच ग्रिल पिज्जा वगैरह के। अच्छा ये तंदूर वगैरह बनाने के रहेगा, तंदूर वगैरह हैंग होता है। हाँ वो गोल गोल घूम करेगा, रोटेट होता रहेगा। जैसे अपने ग्रिल मोड एक्टिवेट किया। हाँ उसके बाद डायल से टाइमिंग देना है, कितना ग्रिल के लिए कितना टाइम देना पड़ता है? 4 से 5 मिनट सफिशिएंट होता है, अगर आपको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। अच्छा ये फिर स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा तो अपने रैक लगाए हुए। हाँ अंदर रोटेट हो रहा है ठीक है जी। अगर बीच में आपको रेसिपी चेक करना है स्टॉप का बटन एक बार प्रेस करेंगे टाइमिंग स्टॉप। अच्छा स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाता है, पॉज हो जाएगा करके अपन चेक कर सकते हैं। और उसको आपको लग रहा है कंटिन्यू करना तो फिर से स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिए, टाइमिंग यहाँ से स्टॉप का वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा ठीक जी। वो गर्म हो जाता है रैक, उसको निकालने के लिए हैंडल दिया ठीक है। अच्छा अभी गर्म हो गया वो समय लगता है आपको एग्जांपल बताया कि इस तरह हाँ, से इसको अपन निकालते हैं। ग्रिल मोड समझा जी, तीसरा इसी को दबाएंगे तो तीसरा मोड आएगा कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड क्या बेकरी 1 2 3 क्या है? कन्वेक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड में पहले प्रीहीट करना पड़ता है।
रीड के लिए डिग्री है, इसको 200 डिग्री सिलेक्ट कर लीजिए डायल से, स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिए, 1 2। अच्छा, तो ये हो गया आपका प्री हीट मोड। ये 60 डिग्री है, 200 डिग्री तक के जाएगा, हीट होते होते ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बंद होने का तो एक बजर इंडिकेशन करेगा, जैसे म्यूजिक बजेंगे 200 लिख के आएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल्स जो आपने केक ओवर में रेडी किए, कन्वेक्शन मतलब केक ओवर वो जो रेडी किए वो रखना है इसमें, बेकिंग वाला। हाँ, डायल से टाइमिंग देना है 10 मिनट 20 मिनट जो देना है अपने, स्टार्ट कर, समझे? समझ गए। दो बार प्रेस कर दिए तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये तीनों मोड क्लियर है? हाँ, माइक्रो ग्रिल कनेक्शन, वही सारे मोड इस बटन में, 1 2 3 4 5। हाँ, बट ये है ऑटो कुक टाइमिंग, इसमें टाइमिंग अपने को सिलेक्ट नहीं करना, टाइमिंग ओवर में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। अच्छा, जैसा कि फर्स्ट हेडलाइन है एग्जांपल, चारकोल पब्लिक इंडियन कुजीन। हाँ, चारकोल के फ्लेवर्स रेसिपी है 1 से लेके 30 तक। अच्छा, कि कौन सी रेसिपी आपको बनाना, मूंग तंदूरी बैगन का भरता, टमाटर तंदूरी, टमाटर तंदूरी, आलू वगैरह, उसके यहाँ से एक बार प्रेस किए 1 1 1 पे जाना रहेगा आपको। हाँ, तो डायल रोटेट करना है 1 2 3 4 5 6। जैसा 1 7 पे तंदूरी झींगा स्टार्ट, कितना ग्राम होना है, 200 ग्राम है, 300। अच्छा, 400 500। हाँ, स्टार्ट टाइमिंग ऑटोमेटिक। अच्छा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आगे पेज नंबर पे इसका यूटेंसिल्स दिए है। अच्छा, कौन से बर्तन और ये मेथड अपने को यूज करना है, जैसा 1 7 पे तंदूरी झींगा और 33 पेज नंबर। ये वाला मोड है ना, ये कोड है और ये पेज नंबर है। ठीक है, ठीक। वैसे अगर आगे की रेसिपी चेंज करना है, 1 ये 1 डैश वाले चारकोल के हो गए, अब ये 2 नंबर है। 2। हाँ, इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे अपन, 1 2। अच्छा, ठीक है, ये पूरा चारकोल वाला है। ये इंडियन क्यूजिंस 2 में मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, सांभर, दमाल, इंडियन रेसिपी सब्सक्राइब। सेम मेथड है, कोड सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट। अब इस मोड में प्रीहीट का नीड होता है, जैसे 2 7 में बाटी है, दाल बाटी बनाते ना, तो 2 7 में प्रीहीट का नीड तो ऑटोमेटिकली कन्वेक्शन मोड में चल जाएगा। वैसे ही सेम चारकोल, हेल्दी हार्ट, इंडियन रोटी बास्केट्स, डाइट फ्लैग, किड्स जिलेट, इसमें बेकरीज के केक्स वगैरह बनाने के लिए भी ऑटो टाइमिंग है, जिसमें आपका रेसिपी खराब भी नहीं होगा, परफेक्ट बनेगा। ये पास्चराइज मिल्क, दूध गर्म करने के लिए, ठीक है, 6 4 नंबर पे, 1 1 2 3 4 4 1। इसमें 2 डिग्री रहता है, जैसे 4 1 पे है 25 डिग्री, 4 2 पे है 4 डिग्री, मतलब 2 डिग्री का डिफरेंट होता है कि रूम दूध अपना रूम टेम्परेचर में रखा है किचन में, फ्रिज के बाहर, तो वो रहेगा 25 डिग्री, और जो फ्रिज के अंदर से निकाल के गर्म करें वो रहेगा 4 डिग्री। ये सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट। कितना लीटर है, 1 लीटर, 1.5 या 2, स्टार्ट टाइमिंग ऑटोमेटिक। दूध का कंटेनर ये इसी में करना है क्या, 1 1.5 और 2 दूध डालना है, कैप लगा देना है। मतलब अपने को स्टील के बर्तन यूज ही नहीं करना है, और सिर्फ अपने ग्रिल यूज ही नहीं करना है, ग्रिल करना है तो ही घर के बर्तन में, मतलब उसी पे चिकन तंदूरी से करना है, उसी पे करना है। तवा की जो रेसिपी से रोटी हो गया, ऑमलेट्स वगैरह, हां ऑमलेट ऑमलेट भी हो जाता है, इसमें कोड ही दिया था ऑमलेट्स वगैरह, डाइट फ्राई वगैरह कैसा क्या है वो कोड पे ही है। अच्छा, वेट रवा इडली और जो अपने रेडी टू ईट वाले है जैसे, तो उसको कौन से इस पे करेंगे, माइक्रो मोड पे गरम करना है ना खाना खाने के लिए, माइक्रो मोड जो आपने फर्स्ट वाला बताया,
अच्छा माइक्रो मोड, एक बार बता दीजिए वो वाला माइक्रो मोड कैसा? डायरेक्ट स्टार्ट पे जितना, हाँ डायरेक्ट, जो टाइम वहाँ पे लिखा रहता है वो टाइम पे डाल दो। माइक्रो मोड में टाइमिंग अपना जो, हाँ हाँ, 3 मिनट 4 मिनट रहता है, और फिर वो वाले सब्सटेंस उसी पे डालने। नहीं नहीं, ये माइक्रो मोड में ये बर्तन यूज ही नहीं कर, उसके लिए यूज नहीं कर, मतलब दूसरा कांच का भी नहीं यूज करना। कर सकते हैं बट अगर रोटी के लिए जरूरत ही क्या है? नहीं, हाँ हाँ, तो इसी पे रखने अपने, सब्जी वगैरह है तो उसको ग्लास वाले। अच्छा, वो माइक्रोवेव बाउल लेना पड़ेगा? माइक्रोवेव से ग्लास बाउल आते हैं, उसमें यूज करना चलेगा। चलेगा, और कुछ पूछना है क्या? अच्छा, ये सारे कोर्स नहीं, वो कोर्स ठीक है मगर वो इतने जल्दी दही बन जाता है क्या? उसका टेम्परेचर गर्म करता है। अच्छा, जितना चाहिए दही जमाने के लिए। पेज नंबर दिया 1 2 3 4, उसका उसका। अच्छा, सब इसी में है, मतलब टेंशन नहीं। इसमें मिला है अपने को ये कुछ बाउल, मतलब दूध गर्म करने का, ये मल्टीपर्पज तावा, और कुछ ग्रिल करने की चीज़ें मिल गई है, ये ग्रिल वाल। अच्छा, हाँ उसी पे आता हूँ फिर, अभी होगा, धीरे 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 सीखेंगे। बिल, एक मिनट। तो ये है दोस्तों, इसका बॉक्स देख सकते हो, इस प्रकार से ये बॉक्स देखने मिलता है अपने को। और भैया अभी पूरा समझा के गए हैं, ये है अपना माइक्रोवेव, जो कि है कन्वेक्शन माइक्रोवेव। तो अभी ये चालू ही है। तो ये कुछ एसेसरीज वगैरह देखने मिलती है, ऐसा पूरे बॉक्स पैकिंग में आया है। इसके पीछे का भी साइज देख सकते हो, काफ़ी बड़ा देखने मिलता है यार। मैं सोचा छोटा ही होगा मगर बहुत बड़ा है ये। तो प्लस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अभी और भी चीज़ें मैं बनवा के दिखाता हूँ इसमें। तो ये